जिला कठुआ के हीरानगर सेक्टर में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन कर रिहायशी इलाकों पर गोले बरसाए। सीमावर्ती गांव चकचंगा और मनियारी के कई घरों में गोले गिरे, वहीं कई मवेशी मोर्टार के स्प्लिंटर्स लगने से घायल हो गए। आलम ये रहा कि रात भर लोग अपने घरों से बाहर रहे और परिवार और बच्चे पूरी तरह परेशान रहे। वहीं पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का बीएसएफ ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। सीमावर्ती गांव के लोगों में रोष देखने को मिल रहा है। उनका कहना है, हम गांव से पलायन कर जाएंगे। सीमावर्ती गांव के लोगों का कहना है कि गांव को खाली करवा कर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। ये मोर्टार का शेल मेरे मकान के ऊपर गिरा है। मैं रात को सो रहा था और पहले भी ऐसा वाले थोड़े बता देते थे कि आज फायर हो सकता है, लेकिन रात को नहीं बताया था। तो इस कारण हम अंदर सो रहे थे, तो जब ऊपर ये मकान के ऊपर पड़ा गोला तो पूरा मकान ही हिल गया। आसपास के जो मकान हैं इनको भी नुकसान पहुंचा, और इसी तरह अगर फायर होता गया तो ये मकान भी तबाह हो जाएंगे, सिर्फ बैंकर बच जाएंगे। हीरानगर सेक्टर में एक साल से लगातार फायर हो रहा। पहले थोड़े मोर्टार के जो सेल थे वो खेतों में भी पड़ते थे, और अभी ये पाकिस्तान के रेंजर जो हैं वो गांवों को निशाना बना रहे हैं। रात को जो फायरिंग हुई है, ये मनियारी, चकचंगा, शानटांडा, लोंडी, ये सभी गांवों को उन्होंने निशाना बनाया, और ये मकान जो हैं वो सारे क्षतिग्रस्त हो गए जिन जिन के ऊपर पड़े हैं, और बच्चे बड़ी मुश्किल से बचे हैं, वो अंदर सो रहे थे। तो सरकार को चाहिए कि ये जो जहाँ तो पाकिस्तान की फायरिंग को उसका मुँह तोड़ जवाब दिया जाए गाँव खाली करा के, या फिर इसको उनके साथ बातचीत की जाए। ये बैंकर बनाने से एक साल से लोग बैंकरों के अंदर रह रहे हैं और पूरी ज़िंदगी बैंकरों में बसर नहीं की जा सकती। गोलीबारी का जो है स्थाई हल निकलना चाहिए कि इसको बंद कैसे किया जाए। अगर ऐसे गोलीबारी होती रहेगी तो फिर लोगों को जहाँ पर मजबूर हो पलायन करना पड़ेगा। देखिए, अभी हम चकचंगा जो गांव है यहाँ पे आए हैं, यहाँ भी काफ़ी जो मोर्टार के गोले हैं 81 के वो दागे गए हैं, और जो रिहायशी इलाका है पाकिस्तान उसी को निशाना बना रहा है, और लगातार एक साल से लगातार फायरिंग चल रही है, और काफ़ी घर जो लोग हैं वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं, और उसके साथ ही लोगों के और भी जो ज़मीन का मतलब फसल है उसका भी काफ़ी नुकसान हुआ है। और हम चाहते हैं कि सरकार को इसके लिए जल्द कोई एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान है ये सुधरने वाला तो है नहीं। इनको जब भी देखो आप फायरिंग करते रहते हैं, और हमारे इधर से जो फायर है वो भी जो करते हैं, लेकिन हम ये नहीं कहते वो नहीं करते, लेकिन हम चाहते हैं कि एक बार इन गांवों को खाली करके, इन गांवों को पीछे करके पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए।